डॉक्टर की टीम आ रही है, उसमें आंख के डॉक्टर है, हड्डी के डॉक्टर है, कान के डॉक्टर है, मानसिक के डॉक्टर है, पूरी एक टीम है, वो स्वास्थ्य विभाग से आती है। जहाँ हम लोग इलाज कराने जाते हैं ना जिला अस्पताल, वहाँ से डॉक्टर्स की टीम आती है। अभी वो आ रहे हैं, भदौरा में बना रहे हैं, वहाँ के बाद यहाँ आएंगे। उनके आने में समझ लीजिए कि आधे घंटे में आपको छोड़ देंगे, तुरंत फटाफट वो देखते हैं, आपका लिख के जाएंगे, आप अपने जाएंगे। सर्टिफिकेट जो है, जिस नंबर को आप लोगों ने कराया होगा ना, फिर ऑनलाइन जब आपने कराया होगा तो कोई नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर ना, बोलिए कुछ बताएंगे तब ना, तो उसी नंबर से डेढ़ दो महीने बाद जब आप डाउनलोड कराएंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा, यानी आपका वो कागज ऑनलाइन बन के आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये मार साहब लोग हैं, ये नोट कर रहे हैं, ये आपको डाउनलोड करा के दे देंगे, नहीं आप अपने से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं उसको मोबाइल पे ही, ये लोग बता देंगे कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो डाउनलोड करके कागज सुरक्षित रखेंगे। बस अगर आपको कभी आपका कागज खो गया तो आप नंबर खाली याद रखेंगे, तो किस मोबाइल नंबर से हमने इसको क्लिक कराया था, तो कभी भी आप जैसे आधार कार्ड बना है ना, आप कहीं जाते हैं तो मैसेज करता है ना आपका आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, वैसे ये भी है। ये हमारे बच्चों का जिनको कोई समस्या है उनका ये आधार कार्ड है, ये वो आधार कार्ड है जिससे हमारा गाँव घर माता पिता पहचान में आते है। दूसरा ये आधार कार्ड, इसको इसका यूपी आई डी बोलते हैं, दिव्यांगता प्रमाणपत्र बोलते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे में जो थोड़ी बहुत समस्या है उसमें डॉक्टर लिखते हैं कि भाई बच्चे को ये समस्या है, इस कारण से इसको इतने परसेंट समस्या है, इसकी वजह से बच्चों को लाभ मिलता है। जैसे जितनी बालिकाएं हैं उनको, जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 1200 रुपया तो मिलता है डीबीटी, जिसमें ड्रेस के लिए होता है, जूता मोजा बैग प्लस 100 रुपया स्टेशनरी है। लेकिन लड़कियों को जो इसमें अभी सर्टिफिकेट बनवा लेगा और लोगों को अपना नाम देगा और हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको 2000 रुपए अलग से आता है हर साल।